बड़ी खबर आ रही है पूर्व क्रिकेटर से जुड़ी हुई ये खबर, हार्ट अटैक से यशपाल शर्मा का निधन। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल का दौरा पड़ने से पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा, जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। दुखद खबर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। आज सुबह हार्ट अटैक आने की वजह से यशपाल शर्मा का निधन हुआ, जिनकी उम्र 66 वर्ष थी। यशपाल शर्मा ने भारत के लिए कुल 37 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्हें करीब 34 की औसत से 1606 रन उन्होंने बनाए थे। वहीं कुल 42 वनडे मैच में यशपाल शर्मा ने 883 रन बनाए थे। तो ये उनका करियर का इतिहास, लेकिन बहुत ही दुखद खबर है। 66 साल की उम्र में यशपाल शर्मा ने, पूर्व क्रिकेटर ने, हम सबको अलविदा कह दिया। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जी न्यूज पर। सबसे पहले आपको बता रहे हैं, ये बुरी खबर है, दुखद खबर है। 1983 विश्व विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे यशपाल शर्मा का निधन, और वहां जैसे ही खबर कपिल देव को लगी, वो रोने लगे। जानकारी ऐसी मिल रही है, पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। वे 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे थे, पंजाब के लुधियाना शहर के रहने वाले थे। यशपाल शर्मा ने देश के लिए 37 टेस्ट में 33.46 की औसत से 1606 रन बनाए थे। इसमें 2 सेंचुरी के साथ ही 9 हाफ सेंचुरी बनाए हैं, जबकि 42 वनडे में उन्होंने 28.48 की औसत से 883 रन बनाए। इस दौरान 4 हाफ सेंचुरी। और यशपाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी जा रही है, एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं। 1954 में इनका जन्म हुआ था, और आज 13 जुलाई 2021 मंगलवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया। बहुत ही दुखद खबर है। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा जी। बहुत ही दुखद खबर है अशोक जी, इस दुख की घड़ी को। अविश्वसनीय है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उनके साथ स्कूल से क्रिकेट खेला हूँ, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, फिर रणजी ट्रॉफी, और फिर देश के लिए उनके साथ खेला हूँ, तो लगातार बहुत। और फिर हम स्टेट बैंक में हम इकट्ठे नौकरी कर रहे थे, काफी उनके साथ अच्छा था, और बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। मैं बिल्कुल कहते ना अविश्वसनीय, क्योंकि लगातार अपने सेहत का ध्यान रखते थे, सब कुछ करते थे, और मेरे लिए ऐसा है कि ना मानने वाली खबर दिखाई देती। मैं अभी भी टीवी पर देख रहा हूँ, उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा। अशोक जी, आपकी आखिरी बार कब बात हुई, कौन सा ऐसा किस्सा जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, कौन सी ऐसी बात जिसको भूल नहीं पाएंगे, कब वो आखिरी समय आपने बिताया? देखिए, काफी समय उनके साथ बिताया है, और यहाँ तक कि मदनलाल के बेटे की शादी में भी हम काफी समय साथ बैठे रहे, क्योंकि काफी पुराना याराना था, और काफी लगातार एक दूसरे से बात करते रहे। और फिर पिछले समय में 5-6 महीने पहले मैं दिल्ली गया था, तब भी उनसे मुलाकात हुई थी, और जब भी मिलते थे बड़े प्रेम से मिलते थे, और बड़े पुराने दोस्त के हिसाब से मिलते। जब अशोक जी आप दिल्ली गए थे, आप बता रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले, तब कुछ ऐसी बात हुई थी, तबीयत को लेकर असहज महसूस कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता कि पुराना यशपाल है, फिट यशपाल, और शायद हमारे से कहीं ज्यादा बेहतर हो। अगर कोई मेरे को बोलता कि 1983 में सबसे पहला खिलाड़ी जो जाएगा वो यशपाल होगा, तो मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे फिट खिलाड़ी थे, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, सबसे फिट खिलाड़ी थे, और लगातार खुश थे इंसान। बिल्कुल, आपने बताया कि बहुत ही खुश मिजाजी उनका स्वभाव था,
और ये खबर वाकई इस पर यकीन करना बहुत ही बड़ी चुनौती है, एक बहुत ही दुखद माहौल बना हुआ है। लेकिन मौजूदा दौर को लेकर किस तरह से उन्होंने अपने विचार साझा किया, अशोक जी कुछ ऐसे किस्से जो आप जी न्यूज के साथ साझा करने चाहें? देखिए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक बात तय है कि वर्ल्ड कप में उनका वो छक्का बॉब विलिस को अभी तक सबके जहन में है, तो निश्चित रूप से ऐसे खिलाड़ी थे जो टीम के लिए खेलते थे, भिड़कर खेलते थे और लड़कर खेलते, और यही उनकी खासियत थी जिसके चलते वो हर जगह काफी लोकप्रिय। बिल्कुल, और अशोक जी अगर उनके करियर पर हम एक बार झलक डालें तो देखा जा रहा है कि 37 टेस्ट में उन्होंने 33.46 के औसत से 1606 रन बनाए थे, पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे, तो उनके अगर हम करियर के इतिहास को देखें तो वाकई मतलब एक गोल्डन तरीके से देखा जाएगा। जी बिल्कुल, और मध्यक्रम काफी समय तक उन्होंने मध्यक्रम के एक स्तंभ की तरह काम किया, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध शतक लगाया, तो मैंने अपना डेब्यू टेस्ट किया था इंग्लैंड के विरुद्ध, उसमें भी उन्होंने बहुत बेहतरीन 140 रन की पारी खेली थी, तो काफी बढ़िया खिलाड़ी थे और संकट मोचक उनको कहा जाता है। बिल्कुल अशोक जी, आपकी हाल फिलहाल में मुलाकात भी हुई पूर्व क्रिकेटर यशपाल जी से, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ और बातें हमें बताएं अगर हो सके तो। उन्होंने मौजूदा दौर को लेकर कुछ कहा हो, कुछ जिक्र किया हो, चीजें जब बैक टू नॉर्मल होंगी क्या उनकी तरफ से ऐसी प्लानिंग है कुछ ऐसा? देखिए ऐसा क्रिकेट में से ऐसा अब वो नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि आखिरी जो उनका था वो चयनकर्ता थे भारतीय टीम के, और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था एक चयनकर्ता के रूप में। अब वो अपने एक कहते हैं कि क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में टेलीविजन चैनल पर काम कर रहे थे और बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे, और जहां तक क्रिकेट का सवाल, हमेशा उनका नजरिया यही रहा था कि क्रिकेट जिस किस तरह तरक्की कर सकती, और इसी की वो कोशिश करते रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी जी न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई अभी हाल फिलहाल में, जिस तरह से आपकी मुलाकात हुई थी, बहुत ही खुश मिजाजी व्यक्तित्व था पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा जी का, और इस खबर पर यकीन कर पाना वाकई बहुत ही मुश्किल है। 1983 विश्व विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, और इस खबर को सुनने के बाद कपिल देव रोने लगे, वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाए, और पूर्व क्रिकेटर के बारे में जिनसे भी अब हम बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा आखिरी वो किस्सा है, ऐसी कौन सी बात मौजूदा क्रिकेट को लेकर, मौजूदा वक्त को लेकर क्या उन्होंने कहा, लेकिन जानकारी इस बीच ये भी मिल रही है कि तबीयत को लेकर भी कोई असहज महसूस नहीं कर रहे थे, बहुत ही जिंदा दिल इंसान जो हमेशा खुश रहते थे, आसपास के लोगों को खुश रहने की सलाह देते थे, लेकिन आज दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। आज सुबह हार्ट अटैक आने की वजह से यशपाल शर्मा का निधन हुआ, 66 साल की उम्र में उन्होंने हम सब को अलविदा कह दिया। बड़ी खबर, 1983 के वर्ल्ड कप के बाद यशपाल शर्मा का करियर लगातार ढलान की ओर जाने लगा, खराब परफॉर्मेंस के कारण यशपाल शर्मा को पहले टेस्ट टीम से बाहर निकाला गया, उसके बाद वे वनडे में भी वापसी नहीं कर पाए थे। यशपाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे, जिनका जन्म 11 अगस्त 1954 को हुआ था। पंजाब के स्कूल की ओर से खेलते हुए यशपाल शर्मा ने 260 रनों का पहाड़ स्कोर बनाया था, जिसके बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में रहे थे, और आसान नहीं था ये स्कोर, इतना बड़ा स्कोर बनाना। यशपाल शर्मा ने भारत के लिए कुल 37 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने करीब 34 की औसत से 1606 रन बनाए थे। वहीं कुल 42 वनडे मैच में यशपाल शर्मा ने 883 रन बनाए थे। 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा थे पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए पहले मैच में यशपाल शर्मा ने 89 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसको आज भी याद रखा जाता है, जिसमें टीम इंडिया की जीत हुई थी,
और इसके अलावा सेमीफाइनल में भी यशपाल शर्मा ने 61 रनों की शानदार पारी खेली थी, तब भारत ने इंग्लैंड को मात दी थी। तो विश्व विजेता टीम का अहम हिस्सा कैसे रहे ये हमने आपको बताया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।